दोस्तों सनातन धर्म में कई ऐसे काल्पनिक पात्र कालांतर में लिखे गए हैं जिनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है। दोस्तों राधा रानी भी एक ऐसा पात्र है। आजकल के तथाकथित कथावाचक अपनी कथाओं में महाभारत और गीता जैसे अनमोल रत्नों की व्याख्या करने और श्री कृष्ण की नीति और दूरदर्शिता का गुणगान करने की जगह सिर्फ राधे राधे और गोपियों का वर्णन करने में ही समय निकाल रहे हैं। आज भारतीय समाज को श्री कृष्ण की शिक्षाओं की जरूरत है, ना कि राधा नामक काल्पनिक पात्र के गुणगान की। हमारे सभी प्राचीन धर्म ग्रंथों और साहित्य में जिनमें श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है उनमें से केवल दो ब्रह्म वैवर्त पुराण तथा कवि जयदेव ही राधा का उल्लेख करते हैं। हालांकि कई विद्वान श्रीमद् भागवत को आधार बनाते हुए राधा के चरित्र का विवरण देते हैं, किंतु वास्तव में श्रीमद् भागवत के मूल पुस्तक में ऐसा कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। 12वीं शताब्दी में जयदेव गोस्वामी ने प्रसिद्ध गीत गोविंद लिखा तो दिव्य कृष्ण और उनकी भक्त राधा के बीच के आध्यात्मिक प्रेम संबंध के विषय को संपूर्ण भारतवर्ष में पूजा जाने लगा। दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सभी हिंदुओं को इस बात से अवगत कराना है कि महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण एवं श्रीमद् भागवत महापुराण इन चार प्रमाणिक ग्रंथों में राधा नामक किसी भी पात्र का योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कोई उल्लेख नहीं है। दूसरे शब्दों में इन ग्रंथों के अनुसार राधा नामक किसी भी पात्र का योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जीवन में अस्तित्व नहीं रहा। जी हाँ, राधा सिर्फ काल्पनिक है। महाभारत में कहीं पर भी राधा का जिक्र नहीं है। कई लोग ये तर्क देते हैं इक्का दुक्का पुराण में राधा का जिक्र है, लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं होता कि राधा वास्तविक हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के काल में महर्षि वेदव्यास थे जिन्होंने श्री कृष्ण के पूरे इतिहास का सही सही वर्णन किया है जिसे महाभारत कहते हैं, और उन्हें ही श्री कृष्ण के सही सही इतिहास का पता था, उनके सही चरित्र का वर्णन किया है। इसमें कभी भी राधा का कृष्ण के साथ या किसी भी गोपी के साथ ना तो रास का वर्णन है ना तो मित्रता का वर्णन है। और रही बात पुराणों की, तो पुराण लिखने वाले ना तो श्री कृष्ण के काल के थे ना तो उन्हें श्री कृष्ण के सही इतिहास का पता है। बस अपनी कल्पनाओं के माध्यम से कथा बनाकर योगेश्वर श्री कृष्ण के उज्ज्वल चरित्र को खराब किया है। पौराणिक कथा एवं महापुराणों के रचयिताओं को श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी पता नहीं। अब इससे ये सिद्ध हो जाता है कि राधा काल्पनिक थी। वस्तुतः राधा का महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण तथा श्रीमद् भागवत में कोई भी नामोल्लेख नहीं है। अब यदि राधा तत्कालीन समय में इतनी ही महत्वपूर्ण चरित्र होती तो क्या वेदव्यास जैसे महर्षि उनको उल्लेखित करना भूल जाते? बाद के भी महत्वपूर्ण रचनाकारों ने राधा का नाम उल्लेख करना उचित क्यों नहीं समझा? एक अपवाद है कि महाभारत में राधा है, लेकिन वह तो महारथी कर्ण की माता का नाम है। अन्य कोई राधा महाभारत में भी नहीं है, और पहली बार राधा शब्द श्री कृष्ण के जीवन में प्रविष्ट करने जैसा प्रमाण सर्वप्रथम गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ में मिलता है जो सातवाहन राजा के समय का है। इस ग्रंथ में राजा विक्रमादित्य का भी उल्लेख मिलता है। महाराष्ट्र में भागवत संप्रदाय में जितनी भी प्राचीन साहित्य और प्रचलन परंपरा प्राप्त होती है उसमें विट्ठल रुक्माई, श्री कृष्ण रुक्मिणी शब्द हर किसी के मुख पर लोक साहित्य में प्रचलित है। कोई भी तत्कालीन मराठी साहित्य और परंपरा राधा कृष्ण शब्द का प्रयोग नहीं करती। पुरानी मराठी फिल्मों में जो भजन है और भागवत भक्ति के संबंध जितनी भी दूरदर्शन कालीन फिल्म है उनमें विट्ठल रुक्मिणी के ही भजन मिलेंगे। राधा कृष्ण शब्द का प्रचलन भी संत तुकाराम के मराठी भागवत साहित्य में नहीं है। बीते कुछ वर्षों में ही ऐसा प्रचलन इंटरनेट, वर्तमान भागवत कथाओं आदि के माध्यम से देश भर में फैल रहा है। इन तथ्यों से निष्कर्ष यही निकलता है कि हिंदुओं को कुछ भी नया स्वीकार करने से पहले उस पर शास्त्रार्थ या धर्म ग्रंथ टटोलने की परंपरा बिल्कुल लुप्त हो गई है, जो कि धर्म और संस्कृति के लिए बहुत ही घातक है, जिस पर जन जागृति अनिवार्य है।